हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने देखिए 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को बिछा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, बन साइड से हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है हमारी 13, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच, चेस्ट हमारा 34, उसका चौथा भाग होता है 8.5, कमर हमारी 30, उसका चौथा भाग होता है 7.5, और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे, मार्जिन में यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज से माप लेना नहीं आता तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप ब्लाउज से माप लेना सीखते हैं। अब देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हो गई। फ्रंट पार्ट को पेपर पर कटिंग करेंगे। तो पेपर पर हम सेम रख कर इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.25, गले की लंबाई हम लेंगे 6 इंच, एक बॉक्स बना लेंगे। अब उसमें हम देखिए राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट का निशान हम 11.5 इंच पे लगाएंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और 2.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसे राउंड शेप देंगे बेल्ट का। इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए, कटोरी हमारी है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और उसको सीधी लकीर कर लेंगे स्केल से। अब देखिए, यहाँ से शोल्डर पे से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ड्राइंग हमारी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स हमें कट कर लेने हैं। अब देखिए, कटोरी को हम दूसरे पेपर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से एक पेपर ले लेंगे हम, उस पर कटोरी को रखकर सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस पर हमें इस तरीके से रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ से स्केल से मैं सीधा कर देती हूँ। अब देखिए, हमें क्या करना है कि दोनों साइड से 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाना है। इस तरीके से यहाँ से भी 1.5 इंच बढ़ाना है और यहाँ से भी 1.5 इंच हमें बढ़ाना है। ये इसलिए क्योंकि हम बीच में टक्स लेंगे। अब देखिए, इन दोनों का हम आधा कर देंगे इस तरीके से और 20 सेंटर में निशान लगा लेंगे। और 20 सेंटर से हमें 1.5 इंच नीचे सीधी लकीर करनी है। अब देखिए, इस लकीर को इस तरीके से मिला देंगे स्केल से। अब देखिए, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर हमें सिलाई का जो हुकाई में जाएगा इसलिए, और उसको सीधी लकीर इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए, ऊपर से भी सिलाई में जाएगा 1/2 इंच, इसलिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। इस निशान को हमें यहाँ तक मिलाना है। ये देखिए, हमारी कटोरी बन चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को कटिंग कर सकते हैं। सारे पार्ट्स को हम इस तरीके से कट कर लिया है और सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर ड्राइंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कटोरी कट चुकी है। ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, सारे पार्ट्स को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, इसे मैंने पहले से डबल फोल्ड करके रखा है। स्लीव्स की चौड़ाई है हमारी 8.5 इंच और स्लीव्स की लंबाई मैंने रखी है 4 इंच।
यहाँ से हम देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से 2 इंच सीधी लकीर करेंगे और स्लीव्स का शेप देंगे। अब देखिए बाजू की आपकी जो भी फिटिंग हो उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेंगे। अब इसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे, भी सेंटर में हम छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। अब देखिए 1 इंच का मार्जिन छोड़कर हमें इसे फोल्ड कर लेना है और दूसरा शेप दे देना है। अब जो हमने दूसरा शेप दिया उसे हम कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी स्लीव्स कट चुकी है, सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर हमें कट कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे पार्ट इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिए हैं। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे, तो इस तरीके से कटोरी को फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई इसकी 2.5 इंच रखनी है। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे कटोरी में भी टक्स का हमें निशान लगा लेना है। इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए कितना परफेक्ट कटोरी शेप आया है हमारा। अब इसके साइड के पार्ट को हमें अटैच करना है। ये देखिए, तो इसको इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें सिलाई करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप पहले सुई धागा से कीजिएगा, फिर इसके बाद पक्की सिलाई कर लीजिएगा। इससे आपको सिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी सिलाई में भी फिनिशिंग आएगी। अब इसे पलट लेते हैं, कटोरी की किनारी पर भी हम एक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम बेल्ट को अटैच करना है हमें, तो ये हमारी बेल्ट है। इसे इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद इसकी किनारी पर सिलाई कर लेंगे हम। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हुकाई की पट्टी लगाएंगे, तो देखिए 3 इंच की पट्टी लेनी है, उसे नीचे की तरफ से रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को पलट लेंगे, पलटने के बाद इसकी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए आई वाली पट्टी को हमें जहाँ तक सिलाई करी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करके सीधी सिलाई करेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कमर पट्टी लगाएंगे, तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। जिस तरीके हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से कमर पट्टी हम लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे इस तरीके से, और एक पट्टी लेंगे उसे डबल फोल्ड करके गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप पाइपिंग बनाना सीख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे गले में भी हमें पाइपिंग लगानी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से पाइपिंग लगी है। देखिए मैंने दूसरे गले पर भी इसी तरीके से पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए फ्रंट पार्ट कितना फिनिशिंग से हमारा तैयार हुआ है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। देखिए गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और गले की लंबाई आपको जितनी रखनी उतनी रख सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरीके से एक राउंड शेप में मटका, इसमें राउंड वाला गला बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे और जो निशान छप जाएगा उसे डार्क कर लेंगे। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, तो पहले देखिए हम नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए जो गले का शेप दिया है हमने उस पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इधर हमें डोरी लगानी है इसीलिए, तो ये देखिए डोरी को हम इस बीच में फंसा देंगे और उस पर सिलाई कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम कट के निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। और अस्तर को हम ब्लाउज के साथ सिलाई करके अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारा गला बन चुका है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। लंबाई इसकी 4 रखनी है। दूसरे साइड भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इसकी लंबाई हमें 4 रखनी है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में ये टक्स लेना है। इसी तरीके से दोनों टक्स ले लेंगे हम। ये देखिए बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करके ब्लाउज को फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करके हम ब्लाउज का फाइनल देखेंगे। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।